हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आलो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो IBPS RRB PU क्लरिकल की बात करने वाले हैं। तो इनकी रिजर्व लिस्ट कल आउट हो चुकी है। जो कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में थे तो उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट RRB PU भी बने हैं, बहुत सारे RRB क्लरिकल में भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट नंबर अगर आप चाहते हो कि हमारा भी हो सर इस तरह से, हम भी RRB PU क्लरिकल में सिलेक्टेड हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, ये जो टू डू लिस्ट है 60 डेज प्लान है, इसमें 60 डेज तक डेली आपको मिलेगी और आप लोग भी अपना एग्जाम जो है कहीं ना कहीं 2021 में जॉब अपनी सिक्योर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फॉलो करना होगा डेली बेस पे रेगुलरली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डेली जो भी टू डू लिस्ट आती है हर सुबह आपको मिलेगी, तो उसको आप लोगों को रेगुलरली फॉलो करना है और अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तभी आप लोगों को ये जो RRB PU 50,000 रुपये सैलरी के साथ है मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं डे सेकेंड की। देखिए, डे फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को 1 से 30 तक टेबल करने हैं। तो ये तो आप लोगों का डेली का काम है कि डेली 1 से 30 तक टेबल नोट डाउन कीजिए, उनको बार बार लर्न कीजिए और उनमें बीच बीच से टेबल भी आप लोगों को याद करने होंगे। कैसे होंगे देखिए, अब मान लीजिए कोई सिंप्लीफिकेशन का या अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाए कि 12 × 5, तो वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट 60 करना होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका कोई 287 इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 24 से, तो ये भी आप लोगों को डायरेक्ट करना होगा। अब ये नहीं है कि आप पहले 400 करोगे पूरे को फिर 200 करोगे, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा। और आप लोगों को पता है कि 45 मिनट मिलते हैं, 80 क्वेश्चन करने होते हैं RRB PU क्लरिकल में, इसलिए कंबाइंड 24 से आप लोगों को इसको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो इसलिए टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, टेबल के बाद आप लोगों को 1 से 70 तक स्क्वेयर करने हैं। कल 50 तक थे, आज 70 तक स्क्वेयर है। 1 से 70 तक बार बार लिखिए स्क्वेयर्स को, बहुत जल्द आप लोगों को याद हो जाएंगे। 1 से 20 तक आप लोगों को क्यूब करनी है, क्योंकि ये जो स्क्वायर क्यूब है ये भी आप लोगों को इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए आपसे 50 की स्क्वायर पूछी जाए तो आप लोग 2500 बता दो, ये तो इजी भी है। अगर आप लोगों से इसी तरह से कोई और मान ली पूछ ली जाए 37 की, एकदम से आप लोगों से स्क्वायर आएगी वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के उसमें कि 37 की स्क्वायर बताओ, तो उस टाइम पे अपने स्टक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपनों ने बार बार लिख के और इनकी बार बार लर्न करके प्रैक्टिस नहीं की होती। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग वहाँ पे स्टक नहीं होंगे और इजीली अपना जो आंसर है वो निकाल लोगे। और जितना फास्ट करोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि 45 मिनट में जितना ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन तो आपको करना ही करना है, साथ में आज आपको नंबर सीरीज भी स्टार्ट कर देना है। और मिसिंग वाले जो इजी वाले नंबर है वो आप लोगों को उठाने सबसे पहले, और उन पे देखना कि क्या अप्रोच लग रही है, किस तरह से उनके सोल्यूशन हमको मिल रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में एक रूल रखता है बोर्ड मास का, ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। बोर्ड मास में क्या होता है कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी इस तरह का जो ब्रैकेट है ना वो सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके अंदर जितनी भी इक्वेशंस है वो सबसे पहले सॉल्व होगी, उसके बाद सॉल्व होगा आपका ऑफ। इस तरह से ऑफ लिखा होता है कहीं कहीं पे 42 ऑफ 25, तो उन दोनों का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा ही होता है इसका मतलब। तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा डिवीजन का, यानी डिवीजन करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लेफ्ट टू राइट करोगे, तो ये वाला जो अप्रोच है वो आप लोगों को फॉलो करना है और इसी से आप लोगों का आंसर जो है वो करेक्टली आएगा। इसके बाद अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो आप लोगों को आगे जो प्रैक्टिस करनी है वो डेली बेस पे आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके दो दो पेज आप लोगों को डेली करनी है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि दो पेज इनके डेली करोगे। अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये सर क्या जोड़ घटाव करा रही है, तो हम 5वीं तक करते जाते थे, 1 से 5 क्लास तक करते थे, आप बैंकिंग एग्जामिनेशन तो ये कहाँ से आ गए। तो देखिए, ये करोगे तभी आप लोगों को आगे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा इसका। DI करोगे तो बेनिफिट होगा, सिंप्लीफिकेशन करोगे, अप्रोक्सीमेशन करोगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करोगे, हर एक चीज़ में इसका बेनिफिट आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और इस पर अभी से आप लोगों ने प्रैक्टिस करके कमांड बना ली तो आगे जो भी आप लोगों के एग्जामिनेशन होंगे या मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो आप लोग देखना इसका कितना फ़ायदा हो जाए। इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो करंट अफेयर की, देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, डेली जो मैंने आप लोगों को बताया कि PDF जो मिलती है आपको अफेयर क्लाउड की ऐप पे, तो वहाँ पे जाओ आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड करो और वहाँ पे रजिस्टर करके, और आप लोग डेली बेस पे हिंदी जो करंट अफेयर है और इंग्लिश जो करंट अफेयर है दोनों की डेली वाली PDF फ्री मिल रही है आप लोगों को, तो वहाँ से नोट डाउन करके अपने नोट्स बना सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम क्विजेज वगैरह भी साथ में अटैम्प्ट करें कि हमने आज का GK नोट डाउन किया, उसको रिवाइज किया और अब हम चाहते हैं कि उसकी क्विज लगा लें ताकि हमें ये संतुष्टि होगी हमें जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो हमें याद है या नहीं है,
तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, उनका प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना होगा आप लोगों को। और उस सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर सकते हो किस तरह से लेना है। और जब ये आपका रिवाइज हो तो एक वीडियो सोर्स आप लोग कोई भी देख सकते हो। इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ कि कौन सा वीडियो सोर्स आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, तो आप उस वीडियो सोर्स को एक बार देखोगे तो आपके जो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए रीजनिंग में हमने पहले ही आपको बताया था कि ए टू जेड जो है वो आप लोगों को रिवाइज करने हैं अल्फ़ाबेट, उसमें आप लोगों को रिवर्स भी करने हैं, इनकी नंबरिंग भी याद करनी है कि ए कितने पे आता है, बी कितने पे आता है, पी कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है। अब आप लोगों से वहाँ पे ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि क्यू का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा पर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा। तो क्यू का नंबर आप लोगों को याद होगा 17 नंबर पर क्यू आता है। और मान लीजिए आई का रिवर्स आप लोगों से पूछ लिया कि आई के जो है वो रिवर्स कौन सा था, आप लोगों को याद होना चाहिए आर है आई का रिवर्स। तो इस तरह से ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी जो है वो बेटर आप लोग फील कर पाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों को रिवाइज करनी है। उसके बाद आप लोगों को जो आज रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट है जो सिलोलिजम्स का, वो चैप्टर आज आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। अब ये नहीं कि आप लोग पहले दिन ओनली ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन कर रहे हो, सिंपल जो क्वेश्चन 2011 12 13 15 उस टाइम पे जो बैंक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते थे ना, वो वाले क्वेश्चन आज आप लोग जो है वो इनकी प्रैक्टिस करो। और इनके जो कंसेप्ट होते हैं, यानी केवल जैसे मान लीजिए कुछ राम श्याम है तो इस तरह का इनका कंसेप्ट होता है, कोई राम श्याम नहीं है तो इनका इन तरह से जो है वो कंसेप्ट होता है। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग याद कीजिए क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा और आने वाले सारे क्वेश्चन आप लोग इसे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये वाला बेस जो आप लोग जरूर अपना मजबूत कीजिए। और जिस भी एजुकेटर को आप लोग फॉलो कर रहे हो तो उसको यार डेफिनेटली फॉलो कीजिए अच्छे तरीके से, और वो जो अप्रोच बता रहे हैं उनको आप लोग बेटर तरीके से जो है वो फॉलो कीजिए। तो ये आपका डे 2 प्लान था। इसी तरह से आप लोगों को डे 3 और 60 डेज तक डेली प्लान मिलेगा जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है। प्रीलिम्स के बाद भी आप लोगों को मिलते रहेंगे जब तक आपका मेंस और इंटरव्यू नहीं होगा। तो चैनल के साथ अगर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस।